हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे पनीर बिरयानी, जो झटपट सी रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम चावल को आधा कुक करके रख लेंगे, आधा बॉईल करेंगे। तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 8 से 10 काली मिर्च और एक स्टार फूल, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची, 2 लौंग मैंने डाल दिए हैं। और इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और पानी को थोड़ा बॉईल होने देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया है और उसे अच्छी तरीके से आधा घंटा के लिए भिगो के रख दिया था और इसे छान के भी रख दिया था। ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो गया है। ऐसा रखने से हमारी बिरयानी बहुत अच्छी खिली खिली बनती है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है चावल और इसे हम आधा कुक करेंगे। अभी हम फ्लेम को हाई रखेंगे और एक बॉईल आने देंगे। तो चावल हमारा बॉईल होने लगा है और इसे हमें आधा ही कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। हमें इसे 50% ही कुक करना है। तो चावल हमारा पक गया है। अब इसे हम छान के अलग साइड में रख देते हैं। और ये इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है कि इसे इसका जो चावल को हम थोड़ा पका के रखते हैं तो वो अपने ही भाप में और पक जाता है। तो इसे हमें जल्दी से ठंडा होने के लिए रखना है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और तब तक हम पनीर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच तेल डाला है। अब इसे हम थोड़ा तेल को गर्म होने देंगे और इसमें बारीक कटा हुआ 2 प्याज लिया मैंने, बड़े वाले प्याज हैं, और इसे मैंने बारीक काट लिया है लंबे लंबे। और इसे हमें फ्राई करना है। जो ब्राउन प्याज होता है ना, जो बिरयानी में डालते हैं, उसे हम पहले फ्राई करके साइड में रख देते हैं। तो इसे फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। इसे इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे। इसका बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए कलर चेंज हो गया है। और इसे मैं निकाल लेती हूँ, इसे निकाल के साइड में रख देते हैं। और ये थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। अगर आप इसे पहले से ही फ्राई करके रख देंगे तो महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे ग्रेवी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम पनीर की ग्रेवी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए, बड़े वाले 2 टमाटर, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक, बड़ा चम्मच से मैंने अदरक छोटे छोटे काट रखे, और 2 प्याज। 2 प्याज को भी मैंने रफली कट कर लिया है। इसे भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 चम्मच काजू, टुकड़े काजू डाले मैंने, आप 8 से 10 डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला और 2 सूखी लाल मिर्च डाला है। और इसे हमें 4 से 5 मिनट तक बॉयल आने तक पका लेंगे। ढक्कन लगा देते हैं और इसे पकने देते हैं। आप इसे कुकर में भी 1 सीटी लगा के पका सकते हैं। तो देखिए टमाटर प्याज अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसे हम ढक्कन खोल के इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हमें इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने जो प्याज फ्राई किया था उसी का तेल बचा हुआ है, मैं उसी तेल में बना रही हूँ। अब उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी और आधी तेज पत्ता डाली है। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच पाउडर धनिया, 1 छोटी चम्मच हल्दी और मिर्ची इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, क्योंकि मैंने उसमें भी डाला है, पेस्ट में भी डाला है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को लो ही रखा मैंने अभी। अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे, जो हमने प्याज टमाटर को उबाल के रखा था उसका पेस्ट मिला देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमें पकाना है अच्छी तरीके से, प्याज और टमाटर को। पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक्कन लगा के
4 से 5 मिनट तक रख देंगे ढक के अच्छी तरह से। इसे जब मसालों में से तेल अलग होने लगे उतना हमें पकाना है। तो चलिए ढक्कन लगा देते हैं और इसे पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए मैंने 4 से 5 मिनट तक ढक्कन लगा के पका लिया है और मसाले अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार ऐड करेंगे इसमें। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, सबसे ज़रूरी चीज़, इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी पनीर की ग्रेवी बनके तैयार है। अब इसमें हम सबसे ज़रूरी चीज़ एक और है, बिरयानी मसाला। मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला ली हूँ भर के। इसे भी डाल दिया, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी भी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन अब टमाटर अगर कभी खट्टा हो तो उसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा चीनी मैंने डाला है। अब इस पर पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मैंने पनीर कच्चा ही डाला है, आप अगर फ्राई करके डालना चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी एक पनीर की सब्ज़ी बन के तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं वैसे, लेकिन हमें बिरयानी बनाना है तो अभी हमें आगे और प्रोसेस करना है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी बिरयानी को दम पर भी लगाना है, तो हमें अभी थोड़ा सा ग्रेवी इसमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आधा कप पानी डाला है करीब, और इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि पनीर में सारे मसालों का फ्लेवर चला जाए। बस जस्ट 1 से 2 मिनट तक हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए ग्रेवी में बॉयल भी आ गया है, पनीर भी हल्का इसका अंदर फ्लेवर भी चला गया है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमने चावल बनाया है उसे डालेंगे और इसे दम पर लगाएंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखिए मैंने सब्जी का थोड़ा सा निकाल लिया है, इसे हम ग्रेवी में ऊपर से भी डालेंगे, बिरयानी में ऊपर से डालेंगे, सॉरी लेयरिंग करेंगे तब हमें चाहिए। तो इसमें मैं पहले पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ। पहले इसे धनिया और पुदीना के पत्ते में डाल रही हूँ। उसके बाद हमने जो प्याज फ्राई करके रखा है उसे डालेंगे। और प्याज हम जब तलते हैं उस टाइम बहुत सॉफ्ट रहता है, और इसे खुले में पंखे में रख दीजिए तो कड़क हो जाता है, क्रंची हो जाता है। अब इसमें हम चावल डालेंगे, जो हमने चावल बना के रखे हैं इसे भी अच्छी तरीके से फैला देंगे चारों तरफ कि सारे ग्रेवी ढक जाए, उतना हमें चावल को फैलाना है। मैं 2 लेयर ही करूँगी। इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने ग्रेवी मैंने पनीर की सब्जी निकाली थी उसे मैं डालेंगे इसके ऊपर, और इसे भी अच्छी तरीके से फैला देंगे। और इसके ऊपर हम चावल का लेयरिंग करेंगे। तो चावल की लेयरिंग में अच्छी तरीके से फैला दी हूँ। अब इसके ऊपर हम फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे फिर से, और जो धनिया पुदीना के पत्ते वो भी डालेंगे इसके ऊपर से। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बन के तैयार होगा मेरा ये पनीर बिरयानी, और फ्लेवरफुल भी होगा। और ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बीट डाल रही हूँ, इसके मैंने पतले पतले से काट के डाले हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो आपके ऊपर है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच के करीब मैंने घी डाला, 2 से 3 चम्मच लगभग। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसे ढक्कन लगा के हम एकदम लो फ्लेम पर इसे हम दम करेंगे, और इसे दम करने 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हम छोड़ देते हैं। तो देखिए 10 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पर पकने दिया था, और ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की।
और ये अभी बहुत गर्म है तो मैं ढक्कन लगा के थोड़े देर के लिए इसे रखने देते हैं ऐसे ही हम 8 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट तक मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। और इसे कैसे निकालते हैं, जैसे हम केक कटिंग करते हैं तो बिरयानी हमेशा वैसे ही निकालना चाहिए कि लेयर में निकले। तो बिरयानी खाने के लिए तैयार है, इसे प्लेट में निकालते हैं और इसे दही के साथ खाइए, कचुम्बर के साथ खाइए, जिस तरह आपको खाना है या ऐसे ही खाइए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बिरयानी तैयार है, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वंस अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।